दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों को एक नया और बेहद ही सस्ता तोहफा देने जा रही है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए ई वाहनों पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर डीएमआरसी भी इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मात्र 10 रुपए में ई बाइक की सेवा मुहैया कराने जा रही है, जिसमें सिर्फ 10 रुपए में 60 किलोमीटर तक की दूरी का सफर तय किया जा सकता है। मेट्रो यात्रियों के साथ अन्य लोगों को भी ई बाइक की सुविधा मुहैया कराने के लिए डीएमआरसी ने ई व्हीकल कंपनी यूलू से अनुबंध किया है। इस अनुबंध के तहत कंपनी डीएमआरसी को ई बाइक्स मुहैया कराएगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल डीएमआरसी केवल 7 स्टेशनों पर ही सेवा उपलब्ध कराएगी, पर बाद में इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। इन स्टेशनों में येलो लाइन के मेट्रो स्टेशन दिल्ली हाट, INA, जोरबाग और पटेल चौक, वहीं दूसरी ओर ब्लू लाइन के मंडी हाउस और प्रगति मैदान के अलावा वॉयलेट लाइन के खान मार्केट और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन शामिल है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2019 तक दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर तकरीबन 5000 सुपर स्मार्ट बाइक्स मुहैया होंगी। इसके बाद अगले साल यानी 2020 के शुरुआती 6 महीने के दौरान NCR के मेट्रो रेल नेटवर्क पर 2500 बाइक उपलब्ध करा दी जाएगी। इस ई बाइक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे चोरी नहीं किया जा सकता। दरअसल बाइक में GPS सिस्टम लगे होने की वजह से इसे चोरी करना असंभव है। इसी के साथ अगर किसी भी हालत में इसे चोरी कर भी लिया जाता है तो इसे चार्ज करना नामुमकिन है। जानकारी के मुताबिक इस बाइक को इस तरह तैयार किया गया है कि इसे मेट्रो स्टेशन के अलावा कहीं भी चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो अब आपको बताते हैं इस सेवा की खासियत और प्रयोग में लाने की शर्तें। यात्रियों को ई बाइक्स का इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत में 250 रुपए अग्रिम भुगतान करना होगा, जो कि बाद में वापस मिल जाएगा। 250 रुपए की राशि को बतौर सिक्योरिटी मनी के लिए लिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इन ई बाइक्स का वजन महज 45 किलो है। ई बाइक्स को चलाने के लिए किसी ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं है। यात्रियों को बाइक का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे खास बात यह है कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी इसे आसानी से चला सकती हैं। बाइक को एक बार बैटरी चार्ज होने पर करीब 60 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। कम वजन की बाइक होने के चलते 12 साल का बच्चा भी इसे आसानी से प्रयोग में ला सकता है। हालांकि यह बाइक साइकिल की तरह है, जिसके कारण इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है और साइकिल की स्पीड में होने के कारण ना ही इससे कोई हादसा होने की संभावना है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी दिल्ली।